नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत और चलिए देखते हैं दोपहर की बड़ी खबरों को फटाफट। 15 फरवरी से शुरू होगी टिकटॉक की ऑनलाइन बिक्री, 20 के बाद लगेगा ऑफलाइन काउंटर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 1 से 5 मार्च तक प्रस्तावित भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच के टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग 15 फरवरी से शुरू हो जाएगी। क्रिकेट प्रेमी टिकट ऑनलाइन खरीद सकते हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन HPCA की ओर से 20 फरवरी के बाद स्टेडियम के बाहर ऑफलाइन टिकटों की बिक्री के लिए टिकट काउंटर लगाया जाएगा। मैदान में टेस्ट मैच के आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। हिमाचल बर्फ के सफेद चादर से ढके पहाड़, मनाली लेह नेशनल हाईवे बंद। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी जारी है। शिमला और मनाली में भारी बर्फबारी हुई है जिससे पर्यटकों की संख्या काफी बढ़ोतरी हुई है। बर्फ का मजा लेने के लिए पर्यटक शिमला के निकट पर्यटन स्थल कुफरी का रुख कर रहे हैं। मनाली में अब तक 1 इंच बर्फबारी हुई है। उधर अटल टनल रोहतांग में 1 फीट और सोलंग नाला में 10 इंच बर्फबारी हुई है। हिमाचल धनीराम शांडिल बोले, मोहल्ला क्लिनिक शुरू करने के लिए दिल्ली पंजाब का होगा अध्ययन। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में मरीजों को एयरलिफ्टिंग और मोबाइल वैन में आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था करके आपात स्थिति में मौके पर ही उपचार यानी कि OT की सुविधा दी जाएगी। क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सचिव को विशेषज्ञ डॉक्टरों के काडर के खाली पदों को चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट आने के बाद इन पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद, 1,00,000 रुपए हर्जाना की सजा। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने 20 साल के कठोर कारावास और 1,00,000 रुपए हर्जाने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की फास्ट ट्रैक विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने का अभियोग साबित होने पर सरकाघाट तहसील के समसोह गांव निवासी अजय कुमार को भांडस की धारा 376 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत 20-20 साल के कठोर कारावास और 50,000 रुपए हर्जाने की सजा सुनाई है।